नमस्कार साथियों, आपने रट्टा बहुत मान लिया। यूपी बोर्ड क्लास 12th का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आज हम आपको किस प्रकार से कोई भी एडिटर वाला लेटर लिखना है कुछ फिक्स लाइंस बताऊंगा। अगर जिन्हें आप लिख देते हैं और उस टॉपिक को जोड़ देते हैं तो आप कम से कम 9 अंक बगैर पढ़े हुए बगैर समझे हुए भी ला सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा आप अच्छे से लिखें, अच्छी मेहनत करें, ज़्यादा से जल्दी आपको जॉब मिले। तो फ्रेंड्स, आज देखिए हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स, यानी कि मोबाइल फोन के बुरे या हार्मफुल प्रभाव को के बारे में एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए एक पत्र लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखना है, कुछ लाइंस फिक्स हैं जिन्हें आप माइंड में डाल लें। सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना होता है, अर्थात तो जो भी आपको क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस दे, आपको पवन माने, रवि माने, दिनेश माने, कोई भी माने, तो जो मैंने 28 राजा मंडी लिखा है, इससे पहले अपने आपको वहां नाम डाल देना है जो भी वह दे। अगर ना दे तो केवल ऐसे लिख देंगे राजा मंडी और जो आपको एड्रेस दे आगरा, जैसा भी आपको एड्रेस देखने को मिले उसे ही लिख देना है। उसके बाद डेट आपको इस प्रकार से लिखनी है, उसके बाद टू द एडिटर और जो भी अखबार का नाम दे उस अखबार का नाम लिख देना है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में वो माने, दिल्ली, कुछ भी माने, आपको किसी भी वहाँ प्रांत का नाम दे या किसी का भी नाम दे वह लिख देना है। तो ये कुछ फिक्स लाइन है, अगर इन्हें अच्छे से लिखते हैं तो आपको कम से कम 1.5 और 2 नंबर के बीच में मिल जाएगा। उसके बाद कुछ फिक्स लाइन्स ये हैं, जैसे आपको सब्जेक्ट डालना है तो सब्जेक्ट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स, यानी कि मोबाइल फोन के बुरे या हानिकारक प्रभाव। यहाँ आपको डियर सर या डियर मैम लिखना है, क्योंकि वह संपादक शायद सर भी हो सकता है या मैम, आपको यह मान लेना है कि आपकी कॉपी चेक करने वाले सर भी हो सकते हैं या मैम भी। उसके बाद आपको ये लाइन फिक्स रखना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि संबंधित अधिकारी गणों का एंड पीपल और लोगों का आल्सो माने भी टुवार्ड्स द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स, यानी मोबाइल फोन के हानिकारक प्रभावों की ओर। आपको यहाँ इतना फिक्स रखना है किसी के लिए भी। उसके बाद यहाँ मैंने पीपल अपनी तरफ से जोड़ दिया है, क्योंकि इसमें लोग भी सम्मिलित हैं, टुवार्ड्स भी आपको हान का शामिल इसी में रखना है। उसके बाद इतना आपको पूरा याद कर लेना है कैसे भी करके। उसके बाद जो भी यहाँ आपको सब्जेक्ट दे उस सब्जेक्ट को यहाँ चिपका देना है। उसके बाद एक सेंटेंस अपने आप से बनाना है, वह सेंटेंस रहेगा कुछ भी हो, जो भी टॉपिक से रिलेटेड, कि नाउअडेज मेनी यूजर्स ऑफ मोबाइल फोन्स आर अफेक्टेड इन देयर स्टडीज एंड आईज टू बाई देम। नाउअडेज, आजकल मेनी यूजर्स ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन के कई प्रयोग करने वाले लोग आर अफेक्टेड, प्रभावित कर हो जाते हैं इन देयर स्टडीज, अपने अध्ययन में, एंड आईज टू, और अपनी आंखों को भी प्रभावित कर लेते हैं, वाई देम, इनके द्वारा, अर्थात मोबाइल फोनों के द्वारा। दे नॉट ओनली अफेक्टेड, वे ना केवल प्रभावित होते हैं मेंटली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मेंटली माने मानसिक रूप से, बट आल्सो फिजिकली, बल्कि वे शारीरिक रूप से भी प्रभावित होते हैं। यह लाइन हमने अपनी तरफ से जोड़ा है। उसके बाद ये लाइन आपकी फिर से फिक्स रहेंगी कि आई होप, मुझे उम्मीद है, पीपल विल बी अवेयर ऑफ इविल इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स थ्रू दिस लेटर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, पीपल विल बी अवेयर, लोग जागरूक हुए होंगे, ऑफ इविल इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स, यानी मोबाइल फोन के बुरे प्रभावों से, थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के माध्यम से, एंड अथॉरिटी, और अधिकारी विल टेक एप्रिशिएट एक्शन इमिडिएटली, वे लोग एक तुरंत ही एक प्रशंसनीय एक्शन लेंगे। और इधर आपको लिख देना है योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, या योर्स ट्रूली, जो भी लिखें, जो भी अगर आपको सेंड्रा से एड्रेस का नाम नेम देता है तो वह नेम लिख सकते हैं, या अमन, दिनेश, कुछ भी लिख सकते हैं, अगर दिया हो, नहीं दिया हो तो एक्स वाई जेड लिख देंगे। उसके बाद इधर आपको ध्यान रखना है, थैंकिंग लिखना है, डेटेड यहाँ डेट लिख देना है। आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।